आज ऐसे पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैं जाड़े का पिज़्ज़ा कहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और स्वादिष्ट भी होता है और साथ में गर्मा गर्म दम आलू, भाई खाने का तो आनंद ही आ जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बंच बथुए का साग और एक बंच मेथी का साग। दोनों को कई बार पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और सारा पानी निकाल दिया है। तो ये रहा बथुए का साग और ये रहा मेथी का साग, जिसे आप बखूबी जानते होंगे, और जाड़े में ये हमारे रसोई की बहुत ही शोभा बढ़ाते हैं। इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे। बथुए में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोग तो इसे उबालकर इसका पानी भी पीते हैं तो खून की कमी को दूर करता है, और मेथी का साग हमारे जोड़ों के दर्द को दूर करता है। ये दोनों ही साग जाड़े में आते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन करना चाहिए और इससे होने वाले फ़ायदों का लाभ उठा लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिया है मिक्सर ग्राइंडर जार और इसमें हम साग को डालकर थोड़ा सा पानी डालकर दरदरा पीस लेंगे। और ली है दो मोटी वाली लाल मिर्चें और दो हरी मिर्चें, आजकल ये भी जाड़ों में बहुत आ रही है। इसके हमें पतले पतले स्लाइस बना लेने हैं। करने के बाद आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से बिल्कुल पतले पतले चिप्स की तरह इन्हें हमें काट लेना है। दोनों को काट लिया है और एक बोल में ट्रांसफ़र करके रख देंगे साइड में, और साथ में मोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्चें भी काट ली है, क्योंकि इसके बिना तो मेरे यहाँ पराठा बन ही नहीं सकता। और गलती से बिना मिर्च के बना देती हूँ तो हम मियाँ बीबी का झगड़ा होना तो तय है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। साग भी पिसकर तैयार है, पास से आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा पेस्ट बनाया है। बोल में लिया है 2.5 कप आटा, इसे मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। डालेंगे स्वादानुसार नमक, और नमक डालने के बाद पहले नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे, और जब नमक अच्छे से मिल जाए तब हम पेस्ट को डालकर इसी पेस्ट से पहले आटे को गूंथ लेंगे। गूंथने से पहले हाथों को अच्छे से साफ जरूर कर लें और उसके बाद डो तैयार कर लें। अभी हमें इसमें कुछ चीज़ों को और ऐड करना है, तो देखते रहिए वीडियो को। यहाँ पर डाल दिया है 1 छोटा चम्मच मंगरेल, जिसे हम कलौंजी भी कहते हैं, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस पराठे में, और 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में लिए हैं 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, क्योंकि भाई जाड़े का सीज़न है और इसे हमें ज़रूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए जिससे हमारी सेहत बनी रहे। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो हमने पेस्ट बनाया था उससे आटा पूरा ठीक से नहीं गूंथ पाया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा साग लगा रह गया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और फिर इसी पानी से थोड़ा थोड़ा डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम पराठे वगैरह के लिए करती हैं। मैंने देखा है आजकल हम अपने बच्चों को कलौंजी और अजवाइन से बने पराठे खिलाना बिल्कुल भूल चुके हैं, और मुझे याद है कि मेरी माँ जब भी पराठा बनाती थी तो अजवाइन और मंगरेल ज़रूर डालती थी, क्योंकि इससे पराठे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, और रेस्ट करने के बाद लिया है एक थोड़ी सी बड़ी लोई, उस पर सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा बेलेंगे, और बेलने के बाद उसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इस पराठे को बनाने में मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी खाते हो ले सकते हैं।
और इस तरह से बंद करने के बाद फिर से हम इसे बेलेंगे। सॉरी गलती से भूल गई, पीनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद जो हमने स्लाइस की है मिर्चों को उसे ऊपर से प्रेस करते हुए लगाना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे लगाया है। और बीच बीच में हरी मिर्चों को भी लगाया है। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दें। मिर्चों को लगाने के बाद ऊपर से सफ़ेद तिल को लगा लें, थोड़ी अच्छी मात्रा में लगा लें और उसके बाद इसे घुमा घुमा कर बेल लें जिससे कि सारी चीज़ें इस पर आसानी से चिपक जाए। और अगर बेलना मुश्किल हो रहा हो तो पराठे को उठाकर नीचे सूखा आटा लगा लें और उसके बाद बेलें तो ये आसानी से बन जाता है। पास से आप देखें बिल्कुल लग रहा है ना पिज़्ज़ा, इसीलिए मैं इसे जाड़े का पिज़्ज़ा कहती हूँ। तवा गरम है, ऑयल लगा दिया है और अब जिस तरफ मिर्चें चिपकाई हैं उसी साइड से हम इसे तवे पर डालकर सेकेंगे। और जब तक पराठा सेक रहा है तब तक दूसरा पराठा भी बेल लेती हूँ। प्रोसेस वही है, एक साइड से सिकने के बाद अब इसे वापस से पलटेंगे और दोनों तरफ ऑयल लगाकर उलट पलट कर बढ़िया क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अगर आप सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो सॉफ्ट बना सकते हैं और अगर क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो क्रिस्पी सेक सकते हैं। दोनों तरफ से इसे दबा दबा कर सेके वरना पराठा कच्चा रह सकता है और खाने में मज़ा नहीं देगा। तो ये देखें पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये रहा हमारा बढ़िया सा जाड़े का पिज़्ज़ा पराठा और साथ में गर्मा गर्म दमालू। आहा हा हा, खाने में क्या आनंद आता है मैं बता नहीं सकती। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कड़ाके की ठंड में अगर इस पिज़्ज़ा पराठे को बना लिया ना दोस्तों तो वाकई में जाड़े का आनंद आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। इस वीडियो से मैंने बाय बाय को कर दिया है टाटा बाय बाय। इस टाटा बाय बाय से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जय श्री राम या राधे राधे बोलेंगे तो जीवन जरूर सफल हो जाएगा। मुझे मालूम है अगर आप सनातनी हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। एक बार फिर से जय श्री राम।